sanitary disposal pouch. Sarmanji, stage present. सेंटर लुक एंड 85% लेडीज आज भी उन तक ये चीज़ पहुँच नहीं पाती. सो आई थिंक ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हमारी कंट्री में जहाँ एक तरफ इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ यार बेसिक हाइजीन की चीज़ें लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है. जैसे मेरे साथ ने भी कहा यूनो कि राज्य शासन एंड थैंक्स टू फिल्म्स लाइक बैटमैन कि आज ये चीज़ हम लोग यू नो खुलेआम डिस्कस करने में कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है. एंड क्यों होना चाहिए? थैंक्स टू अक्षय कुमार कि आज जो कॉन्फिडेंस हम सब ने उस फिल्म की वजह से आया है, इन इनिशिएटिव्स की वजह से आया है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक ये बच्चे समवेयर यू नो इट्स अ बेसिक नीड, उसको अगर कोई पूरी करता है तो दे रिमेंबर इट फॉर अ लाइफ टाइम. एंड टुमारो यही बच्चे दूसरों को भी ये जो हेल्प इनको मिली है दूसरों को भी हेल्प करेंगे. सो आई थिंक श्रेष्ठ, आप पैडमैन के बाद में काफ़ी ये बातें हो रही थी कि सैनिटरी पैड्स फ्री हो जाएगी रूरल एरियाज में, लेकिन उसके बारे में कुछ हुआ नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके आगे का कुछ प्रोसेस कुछ हुआ नहीं है? गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ कॉल यू नो एंड इट इज़ ओवरनाइट शायद होने वाली बात भी नहीं होगी. देर आर सर्टेन थिंग्स दैट प्रॉब्लम दे हैव टू टेक केयर ऑफ. सो धीरे धीरे चीज़ें हो रही है. यू नो मिरेकल्स डू नॉट रियली हैपन ओवरनाइट, उसको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है. सब लोग को आई थिंक दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट और वो लोग भी अपनी अपनी तरफ से चीज़ें काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हो जाएगा. एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल, सो हम लोग को भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है. तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं कि फ्री होनी चाहिए इन रूरल एरिया? फ्री या आप सब्सिडाइज रेट में तो फ्री को जिनको फ्री देना पॉसिबल है वो फ्री देंगे, जिनको सब्सिडाइज रेट में देना पॉसिबल है वो वैसे करेंगे. बट बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन की चीज़ें अपने कंट्री में सब्सिडाइज रेट में सब लोग अफोर्ड कर सके, ऐसे रेट में मिलना ये एक बिल्कुल सपना है. और सरकार जितनी जल्दी सपना पूरा करेगी वो सबके लिए बेटर. अच्छा, आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन सा परफॉर्मेंस आपको दिल को छू गया है उसके बारे में बताइए थोड़ा? अच्छा लगा यार, वो अनेकता में एकता का जो परफॉर्मेंस किया अमेरिका से उर्दू स्कूल में, या बहुत बढ़िया था. ओके श्रेष्ठ, इसके अलावा श्रेष्ठ, अब भी मैं एक बच्ची से मिला हूँ यहाँ पे, 8 से 10 साल की बच्ची है वो. वो बोलती है कि श्रेष्ठ कौन सी जात का है, अगर वो मोहम्मेडियन होगा तो उससे बात करूँगी और हिंदी होगा तो उससे बात नहीं करूँगी मैं. तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इस तरह के अभी भी बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस? ये अवेयरनेस नहीं कहूँगा मैं इसको, ये थोड़ी सी कहीं गलत सीख जा रही है और ये नहीं जाननी चाहिए. मतलब जो स्टेज के ऊपर जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, आई थिंक उससे हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए. बच्चों को भी सीखना चाहिए, बच्चों के माँ बाप को भी सीखना चाहिए और उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं. सो आई थिंक आज इज अ फैंटेस्टिक कंट्री, अ ग्रेट कंट्री एंड इट शुड रिमेन लाइक दैट. वी ऑल ऑलवेज बीन टुगेदर एंड Come what may, we all will always be together.